हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं विंटर स्पेशल हरे मटर की कचौड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, ठंड के सीजन में तो हरे मटर मार्केट में भरपूर मात्रा में मिलने लगते हैं और सस्ते भी मिलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल हरे मटर की बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ, जिसे आप कभी भी मार्केट्स में स्टॉल्स में खाए होंगे। तो मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके साथ मैं आलू की रसेदार सब्जी भी बनाकर शेयर करूँगी। तो कैसे मैंने इसे तैयार किया है, चलिए आप लोगों के साथ हम शेयर। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बबीता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने कुकिंग चैनल पे। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी देख लेते हैं। हरे मटर या फिर ग्रीन पीस की कचौड़ियाँ तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने हरे मटर लिए हैं, धो करके साफ कर लिया हमने। तो चलिए हम इसे ग्राइंड करेंगे, इसे दरदरा ग्राइंड करना है। और इसे ग्राइंड करने में हमें थोड़ा थोड़ा पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक दो चम्मच करके पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एकदम पानी डालेंगे जिससे ये दरदरा ग्राइंड हो जाए। हमने यहाँ पर फ्रेश मटर लिए हैं, आप चाहें तो इन कचौड़ियों को फ्रोजन मटर से भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दरदरा ग्राइंड हो चुके हैं और यहाँ पर हमने सभी मटर को ग्राइंड करके ले लिया है, देखिए दरदरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे मटर की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, हमने 3 कप मटर को ग्राइंड किया है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अदरक लिया है, हरी मिर्च लिया है, 8-10 हरी मिर्चें हैं और अदरक है 1-2 इंच, क्योंकि हम इसकी सब्जी भी बनाएंगे आलू की और यहाँ पर हम हरे मटर में भी यूज़ करेंगे स्टफिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने हरे मटर को भी ग्राइंड करके ले लिया है और यहाँ पर हमने अदरक और हरी मिर्च को भी ग्राइंड करके ले लिया है। तो चलिए इसके हम पेठा तैयार करेंगे। हरे मटर की जो हमने दरदरा ग्राइंड करके रखा उसका हम पेठा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया हुआ है, ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा हमने सरसों का तेल डाला है 1/2 क्वांटिटी में। तो इसमें हमने डाल दिया है हींग, 1 छोटा चम्मच हमने हींग डाला हुआ है। हींग डालने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो आधा पेस्ट हम बचा लेंगे, इसकी हम सब्जी तैयार करेंगे आलू की सब्जी। तो यहाँ पर हम अदरक और हरी मिर्च को भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए तब तक इसे हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अदरक हरी मिर्च अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें जीरा पाउडर। तो धनिया पाउडर यहाँ पर डाल देते हैं, डाल देंगे इसमें जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, भूनेंगे इसे। तो हमने जितना तीखा खाना हो उतना हमने इसमें हरी मिर्च डाला हुआ है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1-2 मिनट में हमारे जो मसाले हैं बहुत ही अच्छी तरह से भून गए हैं और इसका जो कलर है चेंज हो चुका है। इसमें डाल देंगे हरे मटर का ये जो पेस्ट है हमने तैयार किया हुआ है, और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लगातार भूनते रहेंगे। और इसमें देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर को हमें सुखाना है। तो करीब 5 से 10 मिनट इसमें लग जाते हैं इसको अच्छी तरह से भूनने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कंटिन्यूस भूनते रहेंगे ताकि ये जले ना, तलवे से इसे निकालते हुए हम लगातार भूनते रहेंगे। देखिए तो थोड़ा सा इसका मॉइस्चर सूख जाए, उसके बाद इसमें जो डालना है मसाले और नमक मैं डालूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर सूख गया है, इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। आप 1 से 2 चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं और डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इसमें काला नमक। तो इन दोनों चीज़ों को डालकर हम भूनते हैं, उसके बाद हम देखते हैं और क्या मसाले डालने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने आमचूर पाउडर और काला नमक डाल दिया है, इसे हम भूनते रहेंगे लगातार। और डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका जो हरा कलर है वो मेंटेन रहे, इसका जो ग्रीन कलर है वो वैनिश ना हो जाए, इसलिए हम इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी का डाल रहे हैं। इससे ये मीठा नहीं होगा लेकिन इसका कलर जो है मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इस मिश्रण को भूनते जा रही हूँ और इसे आप स्टोर करके फ्रीज़र में आप रख सकते हैं, 10 से 12 दिन तक ये ख़राब नहीं होते हैं। और कभी भी आप पार्टी हो, कोई भी ओकेज़न हो, आप इसे फटाफट से निकाल कर तैयार कर सकते हैं। पहले से पेठा बना लीजिए और इसे आप स्टोर करके रख लीजिए।
तेल लगातार भून रही हूँ, तो इसका जो पेठा है यही मेन है कचौड़ी बनाने के लिए, तो इसे लगातार मैं 10 मिनट से भून रही हूँ। इसमें डाल देते हैं अब नमक। नमक हमने पहले नहीं ऐड किया है ताकि इसका जो मिश्रण है थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, तब इसमें सही अंदाज़ा मिलेगा हमें कितना नमक डालना है। तो इसमें नमक डाल दिया हमने, बस इसमें और कुछ नहीं डालना है, इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे और 5 मिनट के लिए, और ये जो मिश्रण है पेठा है तैयार हो जाएगा कचौड़ी बनाने के लिए। तो इसे हम थोड़ा देर और भून लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले से ये बहुत ड्राई हो चुका है, तो थोड़ा सा और हम इसे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से भूनने का यही फ़ायदा है कि इसे आप स्टोर करके इसे आप सप्ताह 10 दिन तक इसे आप रख सकते हैं, और कभी भी कचौड़ी बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। कभी भी मेहमान आ जाए घर पर, आप इसे कभी भी बनाइए, ये ख़राब नहीं होते। पहले से इस मिश्रण को आप तैयार कर लीजिए, इस पेठे को, और इसे आप बनाइए। तो चलिए हम अभी हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है, इसी कप से हमने 3 कप मैदा लिया है, और यहाँ पर 1/4 कप हमने सूजी लिया है। तो चलिए हम डो लगा लेते हैं कचौड़ी के लिए। और हमने हरे मटर के पेठे को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, वो ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ हम डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर डो भी सेट होता रहेगा और हम सब्जी भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं और अजवाइन डाल रहे हैं, ये डाइजेशन में ठीक रहता है। तो हरे मटर की कचौड़ी बना रहे हैं उसके लिए अजवाइन तो डालना कंपलसरी है, अजवाइन और हींग, तो ये डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमने हींग डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, नमक डाल दिया, और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं ड्राई। तो यहाँ पर सभी ड्राई चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल अच्छा खस्ता बनाने के लिए। और यहाँ पर ऑयल डालकर भी हम आटे को अच्छी तरह से मसल मसल कर इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा ये मिक्स हो चुका है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे बाइंड करेंगे, तो ये हल्का सा बाइंड हो रहा है। तो ज़्यादा इसे खस्ता नहीं बनाना है, तो इसे हम पूरी वाली कचौड़ी बना रहे हैं, तो ज़्यादा इसे खस्ता नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा ये बाइंड हो रहा है, यहाँ पर इसमें हम नॉर्मल पैन डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा ना हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, सेमी सॉफ्ट डो यहाँ पर हम मसल मसल कर तैयार कर लेते हैं, और इसे हम रख देंगे थोड़ा सा ये सेट हो जाए, उसके बाद हम इसकी कचौड़ियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए हम आटे को अच्छी तरह मसल कर इसे हम तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा ये जो डो है मैदा का तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे हम रख देते हैं, थोड़ा देर ये सेट होता है तब तक हम यहाँ पर जो ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी है तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ 1/2 kg आलू लिए हैं, इसे बॉईल करके हमने दरदरा मैश कर लिया है, और थोड़े से हरे मटर लिए हमने, एक मुट्ठी भर हमने हरे मटर भी ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया सब्जी बनाने के लिए। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, और इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को तड़कने देते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता, और जो मसाले हमने बचा कर रखे हैं हरी मिर्च और अदरक का, वो भी इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 छोटे चम्मच हमने मसाले इसमें डाल दिए हैं, जो रॉ मसाले हैं वो डाल दिए हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर देखिए जो ये मसाले हैं अच्छी तरह से भून गए हैं, इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, या फिर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च इसमें पहले से पिसा हुआ है, तो आप तीखा अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच काला नमक। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और रॉ इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर अच्छी तरह से भून रहे हैं मसालों को। यहाँ पर डाल देंगे टमाटर, एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसे हमने छोटा छोटा काट कर रखा हुआ है, तो इसे भी हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनती है। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच इसमें डाल रहे हैं आमचूर पाउडर। तो खट्टा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हमने डाला है कसूरी मेथी। तो यहाँ पर टमाटर को मैश करते हुए हम पका लेंगे। अच्छी तरह से मसाले भून गए हैं, इसमें ये दरदरा मैश किया हुआ आलू और मटर भी हमने इसमें डाल दिया है। तो आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं, अभी ताज़े मटर हैं तो हम इसे ही डाल रहे हैं, और ये आलू के साथ ही भूनते हुए पक जाएंगे। तो आलू को हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें हम ग्रेवी के लिए डाल रहे हैं नमक।
यहाँ पर डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और सभी चीज़ों को हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे जितना हमें ग्रेवी रखना हो। ये रसेदार सब्जी बनती है कचौड़ी के साथ खाने के लिए, तो इसमें अच्छा पानी जाएगा इसमें। तो आलू को इसमें पकाना नहीं है, इसमें बस हमें रसे के लिए पानी डालना है। तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। तो इसमें हमने 1 कप भर के पानी डाला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए। तो ये थोड़ी देर पकेगा 5 मिनट के लिए, उसके बाद यह सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी यह सब्ज़ी पक रही है। इसमें हमने बारीक कटे हुए हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। तो बारीक कटा हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया हमने और यह सब्ज़ी रेडी हो गई है। देखिए तो इसे हम उतार कर रख लेते हैं, ग्रेवी वाली सब्ज़ी रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो मेन है हमारा हरे मटर की कचौड़ी, उसे हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे पेड़े काट लिए हैं, देखिए कचौड़ी के लिए नींबू के आकार का पेड़ा। तो कचौड़ी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टफिंग जो है अलग ले लिया है, और बाकी के जो स्टफिंग है हमने हरे मटर के जो स्टफिंग है हमने स्टोर करके रख दिया है, कभी भी हमें बनाना हो तो हम उसे निकाल कर बना सकते हैं फ्रीजर से। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे इसे सील कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने छोटा सा नींबू के आकार का पेड़ा लिया हुआ है और उसका हाफ हमने यहाँ पर मिश्रण डाला हुआ है, स्टफ किया है। तो पेड़े का हाफ हमें मिश्रण लेना है, ज़्यादा मिश्रण हमें नहीं स्टफ़ करना है, नहीं तो ये बेलते टाइम ये फटकर बाहर निकल आएगा। और यहाँ पर देखिए मैं कैसे इसे प्रेस करके चारों तरफ से इसे फैला रही हूँ, ताकि मिश्रण जो है चारों तरफ से ये फैल जाए, एक जगह ये ना रहे। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे इसे बाउल का शेप दे रही हूँ और जो पेड़े का हाफ मैं इसमें मिश्रण डाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए स्टफिंग जो है हम इसका हाफ डाल रहे हैं, और देखिए अच्छी तरह से इसके एंड को हम ज्वाइन कर देंगे ताकि ये फटकर तेल में फैले ना। तो चलिए इसी तरह से हम सभी स्टफ़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम बेल कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कैसे इसे हाथों से फैला कर मैं बेल रही हूँ, ताकि स्टफिंग है चारों तरफ से फैल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कचौड़ियों को ज़्यादा ना पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा बेलना है, और मैं इसे उठा उठा कर बेल रही हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे बेलना है, यहाँ पर देख सकते हैं इतना ही मोटा इसे बेल कर तैयार करना है। तो ऑयल हमने गर्म करने के लिए छोड़ दिया है, और यहाँ पर कुछ कचौड़ियों को हम बेल कर रख लेते हैं, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए मैं कैसे बेल रही हूँ, इसे उठा उठा कर बेलने से ये फटेगा नहीं। तो ये छोटा सा एक टिप है, देखिए अच्छी तरह से हमने इसे बेल लिया है, और सभी यहाँ पर हम बेल लेंगे कुछ हम फ्राई करने के लिए। ऑयल यहाँ पर अच्छा गर्म हो चुका है, तो एक एक करके कचौड़ियों को हम डालते हैं यहाँ पर। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छा गर्म कर लिया था, उसके बाद से हम फ्लेम को मीडियम करके इसे फ्राई कर रहे हैं। तो फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो कचौड़ियाँ जल जाएंगी और ये क्रिस्प नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छा फूल रही हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता ये कचौड़ियाँ बनी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही फूली फूली ये खस्ता कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनी थी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही क्रिस्प और करारी ये कचौड़ियाँ बनी हैं। तो इसी तरह से हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा गर्म ऑयल में इसे ना फ्राई करें, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी कचौड़ियों को हम फ्राई कर लेते हैं और इसे हम सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी हरे मटर की कचौड़ियाँ बनी हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसे ठंड के मौसम में तैयार किया है, अगर आप इसे कभी भी बनाते हैं तो आप इसे फ्रोजन मटर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरे धनिया से इसे गार्निश कर दिया है, और यहाँ पर हमने सर्व किया है आलू की रसेदार सब्ज़ी के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी नई नई रेसिपीज डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक कचौड़ी को तोड़ करके, बहुत ही अच्छी ये कचौड़ियाँ बनी है, देख सकते हैं चारों तरफ से ये जो मिश्रण है फैला हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनी है। तो
तो फ्रेंड्स मैं तो जा रही हूँ इसे आलू की रसेदार सब्जियों के साथ एंजॉय करने। आप भी इसे बनाइए और आनंद लीजिए।